एमपी में सरकार चुनने के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर को पूरी हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जमा कराने का काम देर रात तक चलता रहा, जहां प्रदेश के भिंड में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम को लॉक कर दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया। ईवीएम मशीन के आसपास कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए। कुछ ऐसा ही नजारा भिंड में देखने को मिला, जहां स्ट्रांग रूम को 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था से लॉक किया गया। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ बीएसएफ जवानों को भी स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किया गया। देखिए, स्ट्रांग रूम में 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अंदर बीएसएफ निगरानी कर रही है, पीछे की साइड एसएफ है और पुलिस का पहरा है सामने। 3 लेयर स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। बाहर सीसीटीवी लगाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था की है। अभ्यर्थी अपने प्रस्ताव के एजेंट को नियुक्त करके यहाँ पे निगरानी रख सकते हैं। वही एमपी न्यूज संवाददाता ऋषि ऋषिश्वर ने ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस वक्त खड़े हैं हम आईटीआई परिसर में। यहाँ पर सारी ईवीएम रखी हुई है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर 5 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य यहाँ पर कैद करके रखे गए हैं, जो कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उसमें उनका भविष्य तय होगा कि वो क्या होता है। इस बार खास बात ये रही कि इस बार जो 63% वोटिंग हुई है भिंड की, जो कि पिछली विधानसभा जो चुनाव हुए थे उससे लगभग 1% ज़्यादा है। और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हैं। यहाँ पर त्रिस्तरीय लेयर में सुरक्षा है, जो अंदर जो घेरा है वो बीएसएफ है, अंदर बीएसएफ है और बाहर एसएएफ है, और फिर उसके भी बाहर यहाँ पर लोकल पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें 24 घंटे डिस्प्ले हो रहा है कि वहाँ पे ईवीएम्स रखी हुई हैं। अभी एसडीएम सर से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी एलसीडीज लगाई जाएंगी, जिसमें कि पूरी तरीके से डिस्प्ले होगा और उसमें वहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई नई हरकत सामने आती है तो वो सीधे सीधे कैमरे में कैद होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा इधर आए और यहाँ पर जो बाहर जो बीएसएफ का घेरा लगा हुआ है उसको थोड़ा सा वो दिखाए, जूम करके वहाँ पर वो बीएसएफ लगी हुई है और इस तरीके से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसका जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को होगी और उसमें साफ साफ पता चल सकेगा कि कौन जीतता है कौन नहीं। ग्राउंड जीरो से मनीष ऋषिश्वर, ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भिंड।